गाइस, दीदी का बर्थडे आने वाला है तो उसको मैं शॉपिंग पे लेके जा रही हूँ और देखती हूँ उसको मैं क्या अच्छे से अच्छा सोच रही हूँ ड्रेस दिलाने के लिए। तो देखते हैं कैसा लगता है। तो बने रहिए व्लॉग में, आज करेंगे व्लॉगिंग और मैं भी सीढ़ी चढ़ के आई हूँ इसलिए मेरी थोड़ी सी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। हाउस मेडर सोनी वो कपड़े लेने के लिए आई थी और कुछ कपड़े वो मम्मी के छोड़ के चल गई थी छत पे, तो मैं उसी को आज लेने आई हूँ अभी। तो फटाफट चलते हैं। हम लोग लंच वगैरह करने के बाद ही जा रहे हैं। मैंने कैरी किया ये जीन्स और ये नॉर्मल शूज पहन लूंगी बस। दिस इज माय लुक। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं लेक्सी, हम लोग कला निकेतन से ही जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जाते हैं कहाँ पे दुकान सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, कलर अच्छा लग रहा है। क्या हुआ नहीं समझ में आ गया कॉटन में, लेकिन देख ही सोच रहा था। तो हम लोग यहाँ पर आए, देखते हैं यहाँ वहाँ पे तो पसंद नहीं आया, यहाँ पे इनको कुछ पसंद आता है कि नहीं आता। हम लोग यहाँ पे नवीन मार्केट आए थे लेकिन यहाँ पर अभी सब कुछ सिर्फ क्या कहते हैं फेस्टिवल, दिवाली या फिर शादी के पर्पज से है, तो कुछ मजा नहीं आया। तो देख अभी जा रहे हैं, देखो जेट्स को है वहाँ पे जाके देखेंगे लगा सकते हैं। और कुछ भी ड्रेस पसंद नहीं है तो आए हैं ब्रैकेट में, तो अब देखते हैं होपफुली यहाँ पर कुछ पसंद आ जाता है तो देखते हैं। दिखा रही हूँ जो पसंद है उसको अलग कर लेंगे, हमें खोल के देख अच्छा लग रहा है। बीच पाकिस्तान है, अंदर साइड पॉकेट है, बाहर एक पॉकेट है, तो पॉकेट और हिंदी मुझे अच्छा लगता है। एक ये अच्छा ये बेल्ट इस तरह से बड़ी हो गई है ना, और अगर छोटी तरह दिखा दीजिए इसको दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद थोड़ा बहुत हम लोगों को एक पर्स कुछ थोड़ा बहुत पसंद आया ब्लैक कलर में, और जो ये रहा बैगेट का है तो बैगेट के काउंटर पर खड़े हैं, और एक ब्लू वाला शायद से भी दिखा दोनों दिखाई से खड़े हो गए। अच्छा तो लुक उसका लग रहा है ना, सही लग रहा है। अब उसको देख लिया ना दोनों वो दिखा, तो फाइनली बैगेट से हम लोग आ गए फास्ट ट्रैक की बैग के ऊपर, और हम लोग ने दो पसंद आया। तो आज मैं अपनी बहन को बर्थडे गिफ्ट एडवांस में दिला रही हूँ बैगेट का पर्स। आप हमारी प्रॉब्लम को रखो अपने लाइफस्टाइल स्टोर के सामने, कस्टमर आए थे बर्थडे डिस्काउंट मांग लिया, वही उल्टा पकड़ा हुआ बैग सीधे पकड़ो। तो फाइनली ये लिया है मैडम जी ने बैग, हैप्पी चलो जो भी शॉपिंग थी वो हो चुकी है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं कॉफी कॉर्नर पे बारिस्ता, तो एक एक कॉफी पियेंगे मुफिन्स के साथ और बस उसके बाद सीधे घर की तरफ। और बस ये आज का हमारा ब्लॉग बहुत छोटा सा, हम बहुत मतलब देर से भी निकले हैं, मतलब सुबह से भी निकले हैं, बस इंटेंशन हमारा था कि आज कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था तो एटलीस्ट मतलब शॉपिंग हो जाए। बाजार में तो इतना सारा मतलब या तो शादियों का सामान है या तो दिवाली का सामान है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप मतलब पार्टी नॉर्मल या फिर सेलिब्रेशन के उससे ले सको, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो फिर हार कर फिर दीदी ने अपना मूड चेंज किया तो उसने कपड़ों से फिर वो आई पर्स की तरफ आई, लेकिन खैर वो भी बढ़िया शॉपिंग है, वो ड्यूरेबल रहेगा अच्छा रहेगा। और बाकी बस अभी हम लोग पीने जा रहे हैं अपनी कॉफी, फिर मिलते हैं कॉफी पीने के बाद। यम्मी यम्मी बरिस्ता की कॉफी, और ये है मुफिन, और दिस इज इनफ फॉर छोटी सी भूख।
सिचुएशन मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ आप एक फोटो खिंचा देती हूँ। मिलने तो आ सकते हो, फ्रेंडशिप तो होती है। फास्ट फ्रेंड अमर हो गई है, अमर कर दिया मुझे। थोड़ा नाराज हो रही थी क्योंकि रोज रोज उसके स्टोर पे जा नहीं सकते हैं, शुगर काउंटर पे वो, तो बस अब हम लोग क्योंकि अब जा रहे हैं घर, काफी देर हो रही थी। बड़ा अच्छा ऑप्शन मिला था अभी अभी जस्ट कि रेप सी में डांडिया का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा, और पासेस रेप सी के फ्री डांडिया पासेस मिल रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारा कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया है और शायद मे बी 99.9% हमारा मना ही हो रहा है, और अगर 1% गए तो ब्लॉगिंग की जाएगी वहां पर, और अदरवाइज समझ लीजिएगा ब्लॉग का एंड नहीं करोगे तो स्टे ट्यून, लव यू ऑल अभी से। और अगर वहां पर 1% जो चांसेस अगर उसमें गई तो आई विल डेफिनेटली डू ब्लॉगिंग फॉर यू गाइस।